नमस्कार, मैं हूं ऋषभ श्रीवास्तव और आप सब देख रहे हैं सिवान न्यूज। सिवान में अभी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है, राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मची हुई है। अगर ताजा घटनाक्रम की बात करें तो MLC टुन्ना जी पांडे का कहना है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, टुन्ना जी पांडे का कहना है कि अगर चंदा बाबू या श्रीकांत भारती के पुत्र सत्यम भारती अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो उन्हें यथासंभव प्रयास करेंगे, यथासंभव टिकट दिलाने की। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपनी सीट भी छोड़ने को तैयार है। इसी क्रम में हमारी सिवान न्यूज़ की टीम आज पहुंची हुई है सत्यम भारती के पास, जो कि सिवान सांसद के प्रवक्ता श्रीकांत भारती के सुपुत्र हुए। तो सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है सिवान न्यूज़ में आपका। और नमस्कार जी, और आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर सर पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसा MLC साहब का कहना है टुन्ना जी पांडे का, कि अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर विधानसभा में चुनाव लड़ना होगा तो टुन्ना जी पांडे आपको यथासंभव प्रयास करेंगे आपको चुनाव लड़ाने का और हर कुछ का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टी का जैसा निर्देश होगा उसका पालन होगा और बिल्कुल सिर आंखों पे रख के उसका पालन होगा। जहाँ तक चुनाव संबंधित बातें हैं, ये मेरे संबंधित कोई बात नहीं हुई थी। इसके पहले भी हमारी पिता की शहादत के बाद मेरी माँ का नाम सियासी गलियारे में था कि विधानसभा का टिकट कुछ सरीखे नेताओं के द्वारा, मतलब ऐसी बातें हो रही थी कि विधानसभा चुनाव लड़ाने का प्रयास किया जाएगा और उस शहादत को एक श्रद्धांजलि देने का कोशिश की जाएगी, लेकिन नहीं मिला। फिर भी अगर इस तरह की बातें हमारे भाजपा के इस तरह के सीनियर मोस्ट नेता कर रहे हैं तो पार्टी और आला कमान जिस तरह का आदेश देगा उसके आदेश का पालन होगा। बिल्कुल, अगर सत्यम का कहना है कि अगर पार्टी आला कमान अगर ये फैसला करती है तो इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप पार्टी के साथ हैं। निश्चित तौर पर मेरे पिता ने सिवान के प्रति और सिवान के समाज के प्रति जो सपनों को अपने दिल में संजोया था और उस सपने के साथ जो उन्होंने शहादत दी है, उस सपने को पूरा करने का मुझे पार्टी मौका देगी, मेरी माँ को मौका देगी, तो निश्चित तौर पर हम एड़ी चोटी लगाकर उस हमारे पिता के संजोए हुए सपनों को और उनके सपनों का सिवान बनाने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। चलिए, जैसा कि सभी हम जानते हैं कि श्रीकांत भारती का बात करें तो सिवान भाजपा में एक अहम योगदान था, और प्रेजेंटली अगर वो जो अभी जो सांसद है ओम प्रकाश यादव, उनके प्रेस प्रवक्ता हुआ करते थे, तो क्या उनकी शहादत के बाद, मैं असत्यम आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या पद है, क्या आप भाजपा के संगठन में या कहीं पे भी कुछ आप अपना योगदान कर रहे हैं भाजपा में? हम पार्टी में हैं, हमारा पूरा परिवार पार्टी में है, लेकिन पार्टी में मुझे कोई पद नहीं है। और मैं इस बार नगर परिषद के हालिया चुनाव में ना अपने वार्ड की जनता और हमारे पापा के समाज के आशीर्वाद के द्वारा चुन करके आया हूँ, और भाजपा में भी हमारा कोई पद नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके पिता एक महत्वपूर्ण पद पे थे, पर उनकी शहादत, इसका अभी तक इनकी शहादत के लिए अभी तक कोई सच्ची श्रद्धांजलि आपको नहीं मिली है? ये तो मतलब ये डिसाइड हम नहीं कर सकते कि श्रद्धांजलि मिली है कि नहीं। ये जो आवाम देख रही है, ये ऊपर वाला देख रही है, मेरे पिताजी का आत्मा देख रहा है, ये तो डिसाइड होने लगे। मतलब पार्टी में अभी तक आपके पास कोई पद नहीं है? मेरे पास पार्टी में भी कोई पद नहीं है। तो जैसा आपने देखा कि अभी हमने सत्यम भारती का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, तो कहना यही चाहेंगे कि जैसा सत्यम ने कहा कि ये बिल्कुल अगर पार्टी की आला कमान ऐसा फैसला करती है तो सत्यम बिल्कुल लड़ना चाहेंगे, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सिवान में और ज़्यादा उथल पुथल मचने वाली है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिवान न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं ऋषभ श्रीवास्तव, सिवान न्यूज़।